अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफिया से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आज का जो रिएक्शन है ना, हम पकौड़ों के साथ देंगे। तो आपने भी अगर पकौड़े खाने हैं तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं, बिस्मिल्ला करें। होय 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 होय, क्या ही बात है। मैं बोलता हूँ पकौड़े देख के मुँह में पानी आ गया। मज़ेदार, मज़ा आ गया। केचप भी आप लगा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो। चलो ये भी साथ साथ खाते रहते हैं और साथ साथ जो है ना रिएक्शन भी देते रहते हैं। तो जी, सुबह मुल्तानी बाजी ने कुछ बातें की, वो मुझे पसंद आई। जो के शायद वो समझा रही थी मुझे, और जो भी बोला, चलो जो भी है, मेरे पास किसी ने भेजा कि जो है ना ये देखें, क्योंकि मैं नहीं देखता। सीधी बात है, अब मैं नहीं देखता। जिस दिन मुझे ज़रूरत हो तब मैं देख लेता हूँ ना, अदरवाइज मैंने सबको हाइड किया हुआ है, मैं किसी को नहीं देखता। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट देखा, मुझे समझ आ गई कि किस टॉपिक पे बात करना चाह रही है। उस टाइम उन्होंने एक पॉजिटिव बातें की, चलो जो भी है, खैर। उसके बाद अभी फिर मुझे वो बंदी ने ना भेजा है कि भाई एक और आया है। मैंने कहा वो तो मुझे पता, चार पांच आते हैं, खैर है, कोई ना, हमें क्या। उन्होंने बोला अब उन्होंने ना दूध वाले ने एक टॉपिक उठाया है, उसको तो आप क्लियर कर दें। इससे पहले ना सुबह मेरे पास एक इंडिया की सिस्टर है, उन्होंने अच्छे, उनके साथ सलाम दो है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दिलबर भाई आपने ना एक झूठ बोला है। मैंने कहा भाई क्या झूठ बोला है। कि आपने बोला कि भाई सनिया ने सर फाड़ा है, और क्या कहते हैं, जिस दिन क्या कहते हैं, उसके अलावा जिस दिन आपने निकाह वाली वीडियो बनाई है उसमें जो है ना वो टीवी नज़र आ रही है। दूध वाले ने जो है ना, मैं वो बात करता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला है और ये सबको पता है कि मैं 2 से 3 वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जो है ना कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है। तो मैं उसके बाद जो भी बकवास करता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी आदत है। मैं 2 से 3 उसके बाद नहीं, क्योंकि उनका काम होता है बकवास करना, मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं उनकी तरह फिर वो करता रहूँ। है जो भी है, तो जो है ना क्या कहते हैं जी, उन्होंने एक नया टॉपिक उठाया है कि जी घर में टीवी लगी हुई है, इस बंदे ने झूठ बोला है, इसकी वाइफ इसके साथ हंस के बात कर रही है, वीडियो बना रही है, होम टूर दिया जा रहा है, ये झूठ बोलता है, आवाम पब्लिक को जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, साथ साथ ये भी इंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि अब क्या कहते हैं रिएक्शन वालों को फिर मौका भी तो देना है कि यार देखो पकोड़े खाते हुए उसने रिएक्शन दिया है। मैंने तो एक अनोखा रिएक्शन भी दिया था आम के पेड़ पे चढ़ के, भाई पब्लिक डिमांड होती है तो क्या करे। तो भाई साहब मैं आपको बताता चलो, आप इस टाइप जाके सर्च करें कि हस्बैंड वाइफ जैसे मेंशन होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हमारी लड़ाई का जो वो मामलात हैं वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि हम लोगों ने मेरी तरफ से तो नहीं, लेकिन सनिया ने इंस्टा फेसबुक हर जगह से उसने मुझे खटी बली कर दिया है। दूसरी बात, ये जो होम टूर है ये मैंने आपको पहले ही अपने ये संडे वाले दिन वीडियो में बोल दिया था कि सनिया आपको होम टूर देगी, हमने घर की सेटिंग की है, ठीक है। संडे हफ्ते वाले दिन, सॉरी हफ्ते का जो ब्लॉग आया था संडे वाले दिन, सही है ना, क्योंकि फिर आप इस बात को भी पकड़ा जाएगा, संडे को ये बात थी तो मंडे को ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, हफ्ते वाले दिन जैसे शाहरुख लोगों ने हमारे घर से सारा सामान उठाया ना, ठीक है, उन्होंने फ्राइडे और हफ्ते के दरमियान 2 दिन ये सामान उठाते रहे। जैसे उन्होंने उठाया फ्राइडे को, मैं यहाँ से हफ्ते वाले दिन जो है ना मैं यहाँ से कुछ घर जल्दी चला गया था, तकरीबन 7:30-8 बजे चला गया था। तो इस वजह से तो मैंने फातिमा को बोला था, मैंने कहा घर पे सेटिंग करनी है, हफ्ते की रात हमने जाके सारी सेटिंग की, उस दिन वीडियो भी बनाई है उसने।
उसने ब्लॉग में नहीं ऐड की, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने पहले बताया था कि हमारे पास टीवी है, टीवी है, सनिया की टीवी थी, टीवी है, लेकिन उसके साथ एक बूस्टर मिलता है जो लगाते हैं तो वाईफाई कनेक्ट होता है, उसके बाद आप चला सकते हो। तो अभी हमारे पास पेमेंट नहीं आ रही, ठीक है, एक बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से पेमेंट आ गई तो हम बूस्टर ले आएंगे। सनिया ने बोला कि मेरे पास जो है ना मेरे भाई नवीद की पेमेंट पड़ी है, ठीक है, 10,000 है, उसमें से आप जो है ना बूस्टर की पेमेंट ले लें, तो उसको जब चाहिए होगी आपकी पेमेंट आएगी तो हम उसको ऐड करके हम उसको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जब हमने ब्लॉग शूट कर लिया उसके बाद मैंने कहा यार टीवी की जगह खाली लग रही है, मैं टीवी उतार के ले आता हूँ, क्योंकि वो अलमारी के ऊपर पड़ी थी। फिर मैं उसको उतार के ले भी आया था। सनिया ने ब्लॉग भी शूट किया था लेकिन सनिया ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं, हमने वो क्लिप काट दिए थे। लेकिन मैं अभी वो क्लिप इसके अंदर डाल दूंगा, उसके ऊपर इमोजी लगा के कि वो शूट करके बता रही है कि हमने टीवी लगा दी है, ठीक है, और जो है ना बस बूस्टर लेके आना है। और मैं संडे वाले दिन फिर बूस्टर भी ले आया, हफ्ते वाले दिन बूस्टर ले आए थे, फिर संडे वाले दिन ऐसे ही ले आए थे हम लोग, उसकी पेमेंट उठा के। और मुझे जैसे पेमेंट आई फिर मैंने रख भी दिया, ठीक है, क्योंकि कल मेरी पेमेंट आ गई थी, कल आई थी या नहीं, कल कल शायद आई थी या आज आई है पेमेंट, नहीं, कल आई थी पेमेंट। तो मैंने जो है ना वो डायरेक्ट सनिया के जैस कैश अकाउंट में भेज दिया था, क्योंकि जो है ना मैंने कहा ये जो है ना पैसे उतर ही जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने किसी की अमानत उठाई थी तो उसकी अमानत में फिर वापसी रख दी है, ठीक है ना। हमारी बातचीत नहीं है, जो भी नहीं है, लेकिन जो हिसाब होता है उसको क्लियर रखना चाहिए। तो अगर वो हंस के बात करिए कुछ तो वो हफ्ते का ब्लॉग है, एतवार वाले दिन प्रैंक किया तो मंडे वाले दिन आया, ठीक है। अब उसका आज भी ब्लॉग नहीं आया, ठीक है, उसने अपने मोबाइल से सारी एप्लीकेशनें डिलीट कर दी है, ठीक है, क्योंकि रात मैंने जब उसका मोबाइल उठाया तो उसने सारा को डिलीट किया हुआ था। मैंने मजीद बात करना नहीं किया क्योंकि उसके सर में जो उसने चोट मारती रही है उसकी वजह से तबीयत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सारी रात जो है ना वो सर पकड़ के बैठी रही है। मैंने देखें लड़ाई झगड़े एक अपनी जगह पे होते हैं, इंसानियत और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं भी जब बीमार होता हूँ या हमारी लड़ाई होती है तो वो पूरी केयर करती है, तो मैंने भी पूरी सारी रात उसके केयर की है, मतलब ये कि उसको संभाल कर उसका सर पे मैंने वो क्रीम भी लेके आई थी, ठीक है, तो वो लगाई है। उसके अलावा मेडिसिन उसकी थी उसको वो दी है, ठीक है, सेब का जूस भी बना के दिया। लेकिन फिर भी वो तकरीबन 4 बजे तक मैं जागता, उसके बाद मैं सो गया क्योंकि मुझे फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो दूध वाले भाई साहब से ये कहूँगा कि तेरा काम जो है ना वो, एक मिनट यार, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम यार। फिर ये ना बोलिएगा कि भाई आगे से सूझ गया और पीछे से सूझ गया, लोग तो फिर ये टॉपिक उठा लेते हैं भाई, क्या करें। और बड़ी बात है कि हमारे कमेंट्स भी नोट किए जाते हैं, उनको भी डायरी पे लिखा जाता है कि भाई फलाने बंदे ने ये बोला कि रज्जा भाटो टक्की की तरह बनाओ, आजकल ये गेम पे बात कर रहे हैं। अगर हमने गेम पे बात की है, उसके अलावा उसके साथ बात की है, किसी का दिल करता है तो उसको एक्सेप्ट करे, नहीं करता तो ज़बरदस्ती, तो हमने नहीं बोला कि आप ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के बोले आप जाके इस गेम को खेलें और अर्निंग करें। हर किसी का अपना दिल होता है, हर बंदा, हर बंदे का अपना माइंड होता है, उस किसी ने रजिस्टर होना है, हो नहीं होना नहीं हो, ठीक है। हमें जो है ना मैंने आपको बोला था बिजनेस, वो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला भाई ये हम इसका प्रमोशन करते, मैंने कहा मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये करना कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं हो गया, ठीक है। या मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं बोल रहा कि आप ये काम जाके करें, जिसका दिल करेगा वो जाके करे, जिसका दिल नहीं करता वो ना करे, ठीक है। तो भाई सुबह मैं उठ के आया हूँ तो तभी कुछ तबीयत बेहतर थी, तो बस अल्लाह खैर करे। बाकी दूध वाले के लिए बोलता रहूँगा कि बेटा आप जो है ना दूध बेचें और दूध में पानी मिलाएं, जो आपकी औकात है। जब वही बात है ना कि अब आपके पास कोई कंटेंट नहीं, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप चाहते हैं कि कोई हमारे पर बात करे, और फिर हम लोग जो है ना एक हफ्ते का जो है ना बैठ कर जो है ना प्लान पूरा लिख लेते हैं कि आज इस टॉपिक पे, आज इस टॉपिक, अच्छा
इनकी एक चीज मैंने देखी, एक टॉपिक होता है उस पे 10 ब्लॉग बना लेते हैं लोग। हमारा दिमाग नहीं काम करता भाई, हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता। तो आपका काम है दूध बेचना, तो दूध बेचो दोगले, ठीक है? दोगला है, दोगला था और दोगला रहेगा मेरी नजरों में हमेशा। और तेरी क्या औकात है, ठीक है, वो भी मुझे पता है। इसलिए जो है ना, तेरे वो करने से जो है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी मुल्तानी बाजी, आपने जो टॉपिक टीवी का और ये बताया, तो टीवी का मैं आपको क्लियर कर दिया कि मेरी हमारे पास टीवी थी, सिर्फ वाईफाई डिवाइस लगानी थी, वो भी हमने लगा दी है, ठीक है? और बात थी कि भाई आपकी वाइफ आपके साथ हंस के बात कर रही थी, तो वो एक दिन पहले का ब्लॉग था, ठीक है? अब देखे ना, जाहिर बात है आज उसका ब्लॉग नहीं, 1-2 दिन 3 दिन तक ब्लॉग आएगा। जब ब्लॉग आएगा तो उसके माथे पे आपको प्रूफ मिल जाएगा, सही है ना? हर चीज का प्रूफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर जो है ना, फिर रिएक्शन बना के फिर आपने जो सवालात करने हो आप मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है ना? मैंने कोई झूठ नहीं बोला और ना ही पब्लिक को कोई बेवकूफ बनाया है। मैंने ये रिएक्शन शायद नहीं बनाना था, और मैं यही चाह रहा था कि मैं अपनी ब्लॉगिंग करूँ, मुझे रिएक्शन सूट नहीं करते, ठीक है? रिएक्शन से आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि हम ब्लॉगर हैं, हमने शुरू से ब्लॉगिंग की है, तो हमें रिएक्शन नहीं देने चाहिए। बस ये कि कुछ लोगों को जवाब भी देना लाजमी होता है, जैसे वो जीजा लवर थी, अभी उसकी और भी मेरे पास कहानियाँ आई हैं, बहुत सारा कुछ आया है। उन्होंने जो है ना, मुझे उनकी बात सुनाई गई है कि उन्होंने जो है ना, लाहौरी बाजी के लिए भी बहुत कुछ गंद पका है, लेकिन क्योंकि लाहौरी बाजी ने उनको सही वाला डोज दिया है। लेकिन बात वही है कि फिर बात फिर और मजीद बढ़ जाती है, मैं फिर बीच में बुरा मैं हो जाता हूँ। इसलिए जो है ना, बस मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो भी होगा ठीक है, जो मेरा नसीब, जो मेरा रिस्क लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, और जो मेरे बच्चों का नसीब है, ठीक है, जिसने अच्छा समझना है वो अच्छा समझे, जिसने बुरा समझ, मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी इसकी वजह से रुक गया। मैंने कहा जो जिसने अच्छा समझना है समझे, जिसने बुरा समझना है समझे, ठीक है ना? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक है? 1-2 दिन तक जब वो ब्लॉगिंग करेंगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उनके सर पे निशान बना हुआ है सारा कुछ, ठीक है? या वो ब्लॉग नहीं भी बनाती, आप मुझे इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि बदवा की जगह के हमारी जो है ना सुलह हो जाए और ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाए और हम लोग अच्छे से ब्लॉग बनाए। बाकी वही बात है ना कि जैसे नौशीन बाजी बोल रही हैं कि जो है ना, घर पहले ब्लॉग में कुछ बोलती हैं, दूसरे ब्लॉग में कुछ, यार मतलब कुछ समझ नहीं आती। खैर जो भी है, ठीक है ना, मामला सुधर जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा और जो है ना सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। मैंने कोई भी, मुझे सुबह भी वही मैंने इंडिया वाले सिस्टर का बोला कि उन्होंने मुझे ये बोला आपने झूठ, मैंने कहा झूठ नहीं बोला, वो बात ठीक थी, लेकिन आप लोगों को जो है ना समझाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखे ना, मैं कोशिश ये होती है कि एक ब्लॉग में 8-9 मिनट का बना लेता हूँ, तो फिर मैं अपना दूसरा बना के रख लेता हूँ कि दूसरे दिन यार आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपके पास 1-2 मिनट का होता है ना, तो फिर टेंशन नहीं होती स्टार्ट लेने में। तो मेरी कोशिश अब ये अक्सर यही ब्लॉग होता है मेरा, रात को मैं दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि फिर ये दूसरे दिन के लिए टेंशन खत्म हो जाए। तो ये मसले मसाइल होते हैं, आप लोग जो है ना पूरा पहले जांच लिया करें, उसके बाद टीवी और ये इल्ज़ाम और ये दूध वाले और ये प्लान प्लान की जो बातें होती है ना वो बाद में किया करें। खैर जो भी है, आपको अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट खूबसूरत व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।